जांजगीर चांपा में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रवैया इख्तियार किया है। जांजगीर चांपा कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देशन में छापामार कार्यवाही की गई। सहायक आयुक्त आबकारी विजय सेन शर्मा और जिला आबकारी अधिकारी राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक दिलीप प्रजापति ने कार्यवाही की। प्रजापति ने अपनी टीम के साथ अवैध शराब बेचने वालों पर कड़ी कार्यवाही की। नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कटोद से 90 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त की गई। साथ ही शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवरी से 120 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त की गई। आबकारी अधिनियम की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किए गए। 4000 किलो महुआ जब्त भी किया गया। अवैध शराब बनाने के सभी उपकरणों को मौके पर ही जेसीबी से नष्ट कर दिया गया। बता दें, आबकारी पुलिस के हाथों अपराधी अभी तक नहीं लगे हैं। पुलिस के पहुंचते ही मौके पर से अपराधी फरार हो गए थे। संयुक्त रेड कार्यवाही के दौरान आबकारी स्टाफ महेश राठौर, गौरव दुबे, श्रीमती रानू मरकाल, आरक्षक नथाली लय बालखा, जयशंकर कमलेश और नगर सैनिक प्रवीण तिवारी, मुकेश साहू और दिलीप राठौर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट।